चेयरमैन पीटीआई के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। उन्होंने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट ही बजाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आवाम नवाज शरीफ को वोट दे या ना दे, मगर वोट देने से पहले हकायक पर नजर जरूर रखे। हुकूमत मुद्दत पूरी होने से पहले ही चली जाएगी। आइंदा इंतखाबात में आवाम जिसको भी मुंतखब करेगी हम कबूल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत ने हिमालय से बड़े चैलेंजेस का सामना किया। आईएमएफ से मुआहिदा काबिले फ़ख्र बात नहीं। शहबाज शरीफ ने 13 माह में जो किरदार निभाया वो किसी वज़ीर आज़म ने नहीं निभाया। आईएमएफ से मुआहिदा मुश्तरका काविशों का नतीजा है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क डिफॉल्ट से बचा, मईशत की बहाली के लिए सख्त तरीन फैसले किए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाया, आइंदा इलेक्शन में नून लीग कामयाब होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत को दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इआदा, सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर तआवुन पर इत्तेफाक। JUI आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेरे सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास, आम इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ ली गई, इजलास आज भी जारी रहेगा। परवेज इलाही की मुश्किलात बरकरार, 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 3 MPO के तहत नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी परवेज इलाही आइंदा 1 माह कैंप जेल में ही नजरबंद रहेंगे। परवेज खटक अपनी पार्टी के क्याम की तैयारियों में मसरूफ, तहरीक साफ पार्लियामेंटेरियंस बनाने पर काम जारी। सब्ज और सफेद रंग का पार्टी झंडा तैयार कर लिया। सब वफाकी वजीर आइंदा चंद दिनों में नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सेनेट इंतखाबात में पार्टी वफादारी तब्दील करने वाले साबिक अरकान के साथ भी रबते। बिजली के पीक आर्स बढ़ा दिए गए, अब 5 से 11 बजे तक पीक आर होंगे। 3 फेस मीटर वाला पीक आर में 50 रुपये फी यूनिट देगा। रहनुमा पीटीआई हमाद अज़हर कहते हैं पाकिस्तान ने आईएमएफ से जो लिया उससे ज्यादा खो दिया, हुकूमत एक भयानक मजाक है। कंधकोट में डाकू राज, डाकुओं ने 7 बच्चे अगवा कर लिए। 1 माह के दौरान 7 बच्चों समेत 30 से ज्यादा अफराद को अगवा किया गया। अगवा होने वाले मासूम बच्चों में अजीम मैनिक फरहाद सुमरो, सदाकत बाजुनो, कौसर कोसो, जीए दीप कुमार, मकबूल मेरानी, अली शाह चना शामिल हैं। डाकू खुलेआम मुखबियों की वीडियो वायरल करके तालान तलब करते हैं, पुलिस नाकाम हो गई। और गार्ड टेस्ट के पहले दिन श्रीलंका के निफ से जायद टीम पवेलियन लौट गई। लंदन टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 242 रन बना लिए। शाहीन अफरीदी के 3 शिकार, टेस्ट करियर की 100 विकेटें मुकम्मल। सलमान आगा, नसीम शाह और इब्रार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की।